यूरोपीय देश स्वीडन और इस्लामिक देश इराक में नई जंग शुरू हो गई है। स्वीडन में कुरान जलाई गई तो इसका बदला लेने के लिए मुसलमानों ने इराक में स्वीडन का दूतावास ही जला दिया। किसी देश के दूतावास को जलाने का मतलब है उस देश पर हमला करना। अपने दूतावास को जलता देख स्वीडन इतना भड़क गया कि उसने एक बार फिर से कुरान जलाने की इजाजत दे दी है। स्वीडन ने खुलेआम इस्लाम को चुनौती दे दी है। स्वीडन और इराक में जो हो रहा है वो आने वाले दिनों में एक भयंकर जंग में बदल सकता है, क्योंकि स्वीडन के समर्थन में कई यूरोपीय देश आकर खड़े हो गए हैं, तो वहीं स्वीडन के विरोध में सारे मुस्लिम देश इकट्ठा हो गए हैं। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि स्वीडन और इराक आपस में क्यों भिड़ गए हैं। वैसे इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि कई लोग इस पूरे विवाद में भारत के रुख को पसंद क्यों नहीं कर रहे। लेकिन सबसे पहले ये समझ लीजिए कि स्वीडन और इराक में क्यों जंग शुरू हुई है। दरअसल कुछ समय पहले स्वीडन में इसलिए कुरान जलाई गई क्योंकि इस्लामिक देश तुर्की स्वीडन को नाटो का सदस्य बनने नहीं दे रहा था। लेकिन कुछ दिन पहले तुर्की ने खुद ही बोल दिया कि अब उसे स्वीडन के नाटो में शामिल होने से कोई दिक्कत नहीं है। स्वीडन और तुर्की में एक डील हुई। तुर्की ने कहा कि हम स्वीडन को नाटो में शामिल होने देंगे, लेकिन हमें यूरोपियन यूनियन में शामिल कर लिया जाए। तुर्की ने यह भी बोला कि अगर स्वीडन कुरान जलाने वाले मामले पर माफी मांग ले तो सब कुछ शांत हो जाएगा। तुर्की और स्वीडन की इस डील के बाद सबको लगा कि मामला सही में ठंडा पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तुर्की और स्वीडन के इस विवाद में इराक कूद पड़ा। इराक ने कहा कि उसे तुर्की और स्वीडन की डील से कोई फर्क नहीं पड़ता। इराक ने कहा कि कुरान के अपमान का बदला लिया जाएगा। इराक के एक मशहूर मौलाना के कहने पर कई लोग बगदाद में मौजूद स्वीडन के दूतावास में घुस गए और उसे जला दिया। इराक ने बड़ा कदम उठाते हुए स्वीडन के राजदूत को भी हटा दिया और उन्हें देश छोड़ने का आदेश दे दिया। इराक ने बयान दिया है कि स्वीडन के साथ अब कोई संबंध नहीं रखे जाएंगे। लेकिन अब स्वीडन ने एक बार फिर पलटवार किया है। स्वीडन ने फिर से कुरान जलाने की इजाजत दे दी है। मजे की बात देखिए कि जिस व्यक्ति ने स्वीडन में पहले कुरान जलाई थी वो इराक का ही शरणार्थी था। इराक का वो शरणार्थी सलवान मोमिका था। सलवान मोमिका ने पहले तुर्की के विरोध में कुरान जलाई थी, लेकिन अब इस इराकी शरणार्थी को इराक के विरोध में ही कुरान जलाने की इजाजत दे दी गई है। यानी ये मामला आने वाले दिनों में और भी ज्यादा भड़कने वाला है। वैसे इस पूरे विवाद में भारत के रुख की भी चर्चा हो रही है। कुछ दिन पहले स्वीडन में कुरान जलाने की घटना के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान एक प्रस्ताव लाया था, लेकिन हैरानी तब हुई जब भारत ने पाकिस्तान के इस प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। भारत के अलावा चीन ने भी पाकिस्तान का समर्थन किया। यानी भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कुरान जलाने की निंदा की है। कई राष्ट्रवादी लोगों को भारत का ये रुख पसंद नहीं आ रहा है। वैसे आपको बता दें कि इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि भारत ने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया होगा। भारत अगर इतना बड़ा कदम उठा रहा है तो इसके पीछे एक बड़ी रणनीति जरूर होगी। भारत और चीन के अलावा रूस भी इस घटना की निंदा कर चुका है।